नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित एवं सकुशल होंगे। आज एनिमल्स पार्ट टू में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ पशुओं से संबंधित कुछ अन्य रोचक जानकारियाँ। तो चलिए देखते हैं, वेयर डू एनिमल्स लिव। बच्चों, जैसा कि हम सभी अपने अपने घरों में रहते हैं, उसी प्रकार पशुओं के भी अपने घर होते हैं। आइए जानते हैं उनके घरों के बारे में। Horse live in stable, घोड़ा अस्तबल में रहता है। Dog live in kennel, कुत्ता kennel में रहता है। Honey bees live in hive, मधुमक्खियां छत्ते में रहती हैं। Cow lives in shed, गाय गौशाला में रहती है। Birds live in nest, पक्षी घोंसले में रहते हैं। Frog lives in pond, मेंढक तालाब में रहता है। Animals and their young ones, आइए बच्चों अब पशु और उनके बच्चों के बारे में जानते हैं। अ बेबी डॉग इज कॉल्ड अ पपी, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। अ बेबी कैट इज कॉल्ड किटन, बिल्ली के बच्चे को बिलौटा कहते हैं। अ बेबी हैन इज कॉल्ड चिक, मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। अ बेबी हॉर्स इज कॉल्ड अ कॉल्ट, घोड़े के बच्चे को बछेड़ा कहते हैं। अ बेबी पिग इज कॉल्ड अ पिगलेट, इसे हिंदी में सुअर का बच्चा ही कहते हैं। अ बेबी काउ इज कॉल्ड अ काफ, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। अ बेबी डियर इज कॉल्ड अ किड, इसे भी हिंदी में हिरण का बच्चा ही कहते हैं। अ बेबी शीप इज कॉल्ड अ लैम, भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। अ बेबी डक इज कॉल्ड अ डकलिंग, इसे भी हिंदी में बतख का बच्चा ही कहते हैं। अ बेबी फ्रॉग इज कॉल्ड अ फ्रॉगलेट, इसे भी हिंदी में मेंढक का बच्चा ही कहते हैं। अ बेबी फिश इज कॉल्ड अ फ्राई, मछली के बच्चे को फ्राई कहते हैं। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।